1714 को आज ही के दिन इंग्लैंड के हेनरी मिल ने टाइपराइटर का आविष्कार किया। 1782 में आज ही के दिन पहला अमेरिकी वाणिज्यिक बैंक बैंक ऑफ नॉर्थ अमेरिका खुला। 1789 में आज ही के दिन अमेरिकी जनता ने जॉर्ज वाशिंगटन को देश का पहला राष्ट्रपति चुने जाने के लिए मतदान किया। 1890 में आज ही के दिन विलियम बी परविस को फाउंटेन पेन के आविष्कार का पेटेंट मिला। 1927 में आज ही के दिन पहली ट्रांस एटलांटिक व्यावसायिक टेलीफोन सेवा न्यूयॉर्क से लंदन के बीच शुरू हुई। 1937 में आज ही के दिन नीदरलैंड की राजकुमारी जुलियाना ने हेग में प्रिंस बर्नहार्ड से शादी की। 1943 में आज ही के दिन वाईफाई के जनक मशहूर अमेरिकी सर्बियाई आविष्कारक निकोला टेस्ला का निधन हुआ। 1953 में आज ही के दिन अमेरिकी राष्ट्रपति हेनरी ड्रमन ने हाइड्रोजन बम के निर्माण की घोषणा की। 1980 में आज ही के दिन आपातकाल के 3 साल बाद भारी बहुमत के साथ इंदिरा गांधी की सत्ता में वापसी हुई। 1985 में आज ही के दिन सेलनेट ने 2 UK सेल्यूलर नेटवर्क का शुभारंभ किया। 1986 में आज ही के दिन अमेरिका के राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने लीबिया के खिलाफ आर्थिक प्रतिबंध लगाने की घोषणा की। 1990 में आज ही के दिन 800 सालों में पहली बार पीसा की झुकती हुई मीनार को दर्शकों के लिए बंद कर दिया गया। 2014 में आज ही के दिन शेख हसीना ने बांग्लादेश में आम चुनाव जीता। 2015 में आज ही के दिन पेरिस में 2 बंदूकधारियों ने चार्ली आब्दो पत्रिका के कार्यालय पर हमला किया जिसमें 12 लोगों की मौत हुई।